पीरपैंती के विधायक रामविलास पासवान जी, समय कम है, हालांकि नेता काफी सारे लोग हैं जिनका हम नाम ना ले सके, उनसे माफी चाहेंगे। जितने भी हमारे महागठबंधन पार्टियां हैं, हम पार्टी, आरजेडी, रालोसपा, मुकेश सहनी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जितने पदाधिकारी, नेता, मीडिया के दोस्तों, जितने हमारे अभिभावकगण और नौजवान हमारे युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देने आए हैं कि आप लोग जो है भागलपुर की जनता मोदी जी को पहचानने में सफल रहे। जब मोदी जी बात सुनिए, हम इसलिए कह रहे हैं, जब मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे थे, जब पूरा देश उनके झांसे में पड़ा हुआ था, तब भागलपुर की जनता ने इधर कुछ देखा नहीं, मुल्लू मंडल जी को राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम। ये साबित होता है कि आप लोगों का निर्णय सही था, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, अब तो कोई झांसे में नहीं रहा मोदी जी के। आप देखिए, ये कोई चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, ये कोई व्यक्ति विशेष का केवल गुल्लू मंडल जी का चुनाव नहीं है, ये केवल एक पार्टी का जिताने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक गठबंधन को जिताने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो चुनाव है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए है। ये जो लड़ाई है सच और झूठ की लड़ाई है, अमीर और गरीब की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जिन लोगों ने आपके जनादेश का अपमान करने का काम किया, ये मौका है उन लोगों को, आप लोगों को सबक सिखाने का। ये किसी एक पार्टी को धोखा नहीं था, पूरे राज्य का मतगणना था, विधानसभा चुनाव में कि महागठबंधन चुनाव जीते। आज हमारे पलटू चाचा जी का जो कारनामा है आपको हमें जानना गया, ना कोई विचार, ना कोई सिद्धांत, ना कोई नीति, प्यार है तो केवल कुर्सी से प्यार है। ये क्या कहे थे, क्या बोले थे नीतीश चाचा? भाजपा में तो मिल गए, अब मिट्टी में कम मिलेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। आप लोग जानते हैं मोदी जी क्या ही वादा किए थे बिहार की जनता से, वो पूरे देश का बिहार के लिए क्या था, बिहार की बोली लगाई थी, कितनी लगाई थी, 70,000 करोड़ रुपए की 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए की 90,000 करोड़ रुपए, लो 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया दिया मिला। हमारे चाचा क्या कहते थे, हम मोदी जी हमारे चाचा को क्या कहते थे, डीएनए खराब है ना। देखिए यही बीजेपी की खूबसूरती है, झूठ का प्रचार करके असली बात गोल कर देती है। आज जो चुनाव हो रहा है असली चीज मुद्दा है क्या, हम तो कहते हैं मोदी पे नहीं मुद्दे पे आइए। आज क्या आप लोग चर्चा सुनते हैं, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, दंगा फसाद, कश्मीर और पाकिस्तान, इन 4-5 सालों में
किसी चीज पे बहस हुई नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था, जो ठगने का काम किया था, जनता के सामने जाने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो लोग दंगा फसाद हिंदू मुसलमान ये लोग कराने का काम करते हैं। आज किसानों की स्थिति पे चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, गरीबी दूर करने की चर्चा नहीं होती। आप बताओ, मंदिर मस्जिद से आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपकी गरीबी मिटेगी? तो असली मुद्दे पे बात करो, मोदी पे नहीं, मुद्दे पे बात कीजिए। ये चौकीदार अपने आप को कहते, पहले चाय वाला कहते थे, हम तो देखिए गूगल कीजिएगा कंप्यूटर पे, मोदी जी का फोटो निकालिए चाय ढूंढते हो, ए टू जेड सब फोटो मिल जाएगा, लेकिन चाय बेचते हुए नहीं मिलेगी। अमेरिका घूमते हुए मिल जाएगा जवानी का, आरएसएस ज्वाइन करते हुए मिल जाएगा, हम लोगों का तो सर्टिफिकेट तो देता हूं, मेरे पापा को तो पता ही नहीं हूं कौन सा दिन पैदा हो। उस दौर में मोदी जी का बचपन में स्टूडियो में फोटो था, उस समय उस जमाने में कौन लोग फोटो खिंचा सकता था भाई, 4-5 साल का लड़का स्टूडियो में, चलो कोई बात नहीं, कहीं ढूंढिए कहीं मिला ही नहीं। आप कहते कि वो चौकीदार है, चलो हम कहते हैं वो चौकीदार अपने आप को कहे, लेकिन ये समझ लीजिए मोदी जी, अगर आप चौकीदार हैं तो देश की जनता और बिहार की जनता थानेदार है। आपने जो चौकीदारी की है ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सब क्यों में भागने के क्यों में भागे नहीं, सृजन घोटाला याद है, तो बताने का जवाब नहीं। तो आप समझिए कि कौन सा चौकीदारी भाई, ये तो चुनाव में कहते कि विदेश से काला धन लाएंगे और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, तो ये तो बैंकों को कर्जा करके चले गए, एक व्यक्ति को नहीं। और हमारे चाचा तो पूरा सरकार का खजाना एक एनजीओ को देते भागलपुर में। हाँ बताओ, सरकार का खजाना कोई एनजीओ वाला रखता, सरकार का पैसा जी उससे मांगता, अरे एनजीओ वाला जो था बिल्डर लोग को कर्जा दिए हुए था पूरा, और उसे इंटरेस्ट से कमाई होता, आज सरकार के लोग फंड करते थे, पूरा नीतीश जी के खसम खास थे। तो आप सब जी क्या चौकीदारी लोगों ने की है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, यही समझने की जरूरत है कि आपकी जो लड़ाई लड़ रहा है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो गरीबों का लड़ाई लड़ा, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ी भाई, चारा कायम करने की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, जनता के सवालों को लेकर के सरकार के सामने रखने का काम किया, तो यही आज के दौर में चल रहा है कि आप भाटा में मिल जाइएगा तो आप राजा हरिश्चंद्र कहलाओगे, अगर आप नहीं मिलिएगा तो आपको घोटाले पास भ्रष्टाचारी और जेल भेजने का काम करे। आप देखिए सीबीआई के डायरेक्टर है, स्पेशल डायरेक्टर लगा कि नहीं लगा, कभी हुआ ऐसा? क्या स्थिति बने, जितनी भी सरकारी आपका संवैधानिक संस्थानें थी सबको मोदी जी ने तहस तहस कर दिया। देखिए प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा जो संवैधानिक संस्था है वो तो हमेशा रहेगा, कुछ फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए। अगर आप संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दोगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिए आप लोग कि कोई ठीक नहीं है जिस प्रकार से SC ST एक्ट खत्म कराने में लगे लोग। आपका पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का जो आरक्षण था उसको इन लोगों ने चालाक से खत्म कर दिए, धीरे 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 सिटुआ कम कर दे रहे तो खत्म होगा। तो आप लोग समझिए इस बात को
क्योंकि इनमें इतना हिम्मत नहीं इकट्ठे कर दे, इसीलिए ना हमारे पिता को जेल भेजने का काम किया है। क्योंकि लोग जानते थे कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण और संविधान को चोट पहुंचा। ये लोग जानते थे कि लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी दंगाइयों में हिम्मत नहीं होगी कि जहर फैलाने का काम करे, इस वजह से जेल भेजने का काम करे। हम लोग तो बचपन से छापा छापा देख रहे हैं भाई, बड़े हो गए। ये लोग सोचता था कि लालू जी को जेल भेज करके डरा देंगे, पहले पार्लियामेंट से निकलवाए। हिंदुस्तान में पहली बार किसी नेता को अगर निकालने का काम किया तो जो गरीब का नेता जो लड़ाई लड़ा उसका पार्लियामेंट से सबसे पहले बाहर किया। आप देखिए उनके निकलने के बाद पार्लियामेंट में आया कितना गरीब का, सामाजिक न्याय का बात रखने वाला बहुत कम लोग मिले। मजबूती के साथ जिस प्रकार से लालू जी रखते थे, आप देखिए जनता से भी दूर करने का काम किया गया कि जेल भेज दो। लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेज देंगे तो लालू जी जो है डर जाए। अरे इतने गीदड़ भक्की से लालू जी डरने वाले हैं? लालू जी शेर हैं, इनके गीदड़ भक्की से डरने वाले नहीं है। और लालू जी और मेरे मन में अगर लालच होता तो हम भाजपा के साथ मिल जाते, हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते और हम अपना केस मुकदमा खत्म करा लेते। सही बात है कि नहीं है? तो हम लोगों के नेता, आप लोगों के नेता, गरीबों के नेता लालू जी ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो विचारधारा है ये मनुवादी और सांप्रदायिक शक्तियों से घुटना नहीं टेकने का काम किया। आज उनसे कम दलो अच्छे अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाता है। और हम लोग तो बचपन से छापा देख रहे, शुरू से अब तक छात्र राजनीति से लेकर के आज हमारे पिता का बाल पक गया। आप लोगों की लड़ाई लड़ी, पहले गरीब को खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, आज सब लड़ने को तैयार है, अपना अधिकार नहीं बोलेगा छीन के लेने का अधिकार रखते हैं। ये लालू जी के आप लोग समझिए कि अभी भी उनका दिल का ऑपरेशन हुआ, आप 60% जो है उनका किडनी में इंफेक्शन हो गया, आप देखिए उनका डायबिटीज का बीमारी है, ब्लड हाई प्रेशर है और भी तरह तरह की बीमारियां हैं। लेकिन किसी भी कीमत से अपने सिद्धांत नीति और विचार से डगमग नहीं हुए, नहीं। आज किसके पास इतना हिम्मत है? तो आप देख लीजिए, आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि लालू जी ने जो समझौता नहीं किया, इनसे लड़ाई लड़ने का काम किया, हम आपको वचन देते हैं कि हम भी जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बिताने का काम करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं। मेरे पिता को जेल भेजो, मेरा क्या अपराध था? मेरा अपराध यही था कि हम बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी को कोई बहाना चाहिए था कि भाजपा के साथ चले जाए, नहीं तो जनता के बीच क्या कहते, क्यों भागे? अरे भैया, जब हम 18 महीने के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, हम तब कोई घोटाला नहीं किए। नीतीश जी को लगा रहे भैया ये तो काम जो है ठीक चल रहा है, उनका दुकान ये बंद करा दिया, तो भैया ये बहाना लगाओ नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगा नीतीश जी को। आप क्या, आप बताइए 18 महीना हम जब उप मुख्यमंत्री रहे, 3 डिपार्टमेंट कोई घोटाला नहीं है, मेरे पे क्या आरोप है? यही लड़का है यार, कितना उम्र हुआ तुम्हारा, कितना है तुम्हारा, कितना उम्र ना, कितना उम्र तुम्हारा, तुम्हारा नहीं नहीं ये आगे उसके पीछे वाला
इधर आओ जरा। अरे बड़ा तेरे का है ना, हाँ उठा के चेहरा दिखा दो। भाई हम जब इसके उम्र में थे तो हम रेलवे में बैठ के घोटाला करते थे। कैसे होता है घोटाला? खेलने में मन लगता है ना, पढ़ने में, दोनों में कि घोटाला में? तो आप समझ जाइए, जब मूछ नहीं था तो हम घोटाला करते थे। अब जब हम बड़े हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तीन तीन डिपार्टमेंट रहा मेरे पास, तो हमको तो ये 18 महीने का पूरा बिहार टूट लेना चाहिए। तो अभी केस क्यों? 13 साल में क्यों केस? समझ में आया? तो आप समझिए, ये लोग नकारात्मक राजनीति करने के लिए बाहर, उसलिए हम आप लोगों के बीच आए। हम पे तो 35 मुकदमा हो गया, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे पिता तो जेल में है ही, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी सात बहनें सातों बहनों पे मुकदमा, सात बहनों की शादी हो गई तो सात मेरे जीजा हैं, वो सातों जीजा पे मुकदमा। और मेरे अभी सब क्या हुआ सुनो ना, तो सात हमारे जीजा हैं, यानी सात ससुर हमारे दीदी के, समधी जी, संभन जी, तो सात समधी और संभन मिला के 14, उन 14 पे भी मुकदमा, और संभन और समधी के जो रिश्तेदार है उन पे भी मुकदमा। मतलब गजब मजाक उड़ा रखा है। नीरव मोदी, विजय माल्या सब भाग जाते, बैंक बैंक खाली करके के भाग जाते, सृजन घोटाला हो जाता है। आज तक किसी से सुशील मोदी के घर छापा नहीं पड़ता है, एक ही नेता के पीछे, एक ही परिवार के पीछे। किसी ये जानते हैं जिन लोगों को केवल और केवल सत्ता से प्यार है, इन लोगों को बिहार में काम करने का मन नहीं लगता, खाली लूटना चाहते हैं और दूसरे को भ्रष्टाचारी दिखा करके बना करके अपने आप को ईमानदार कहलवाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग समझिए इस बात को, ये जनता की अदालत है। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना सुनवाई होती, सीधे फैसला होता है। आप लोगों को फैसला करना है, आप लोगों को संविधान बचाना है, देश बचाना है। लालू जी के साथ क्या करना है? करना है कि नहीं करना है? 16,000 के बोले करना है ना? तो आप लोग समझिए कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी है बुल्लू मंडल जी को जिताने की। न्याय कैसे मिलेगा जब बुल्लू मंडल जी से? और आप जानिए, आप एक बात समझिए, अभी जो घोषणा हुई है न्याय योजना, यानी हमारी सरकार बनेगी देश में तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा परिवार नहीं रहेगा जो 12,000 से कम कमाता, यानी 12,000 से नीचे कमाने वाला आपको पूरे देश में कोई परिवार नहीं मिलेगा। और यह योजना होगा पूरी तरीके से सफल होगा। इस पे हम लोग जो है राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को बताने का काम किया, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम जब निराश थे, जब मेरे पिता जेल जा रहे थे साथ में थे, तो मेरे पिता ने कहा बेटा निराश मत हो, निराश हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाए। हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आए हैं, हम उनको पूरा विश्वास है कि आप लोग न्याय करने का काम कीजिएगा, आप लोग सच को जिताने का काम कीजिएगा, और जो आप लोगों को ठगने का काम किया उसको सजा देने का काम कीजिएगा। तो ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, बुल्लू मंडल जी को जिताइएगा ना, हम नारा लगाएंगे, बस गाना लगा करके आप लोग साथ देने का काम। रुकिए, हम बोलेंगे भाजपा भगा, तो आप बोलेगा देश बचाएगा।